अच्छा, कोर्ट मैरिज कैसे होती है, यानी कि भाग के शादी जो करते हैं वो होती कैसे है बेसिकली? अच्छा, अगर आपने भाग के शादी करनी है, वेल एंड गुड, आप कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आपने लड़की को लेके भगाना है या लड़की ने किसी लड़के को लेके भगाना है, आप भागे, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन लीगल तरीके से भागे। सबसे पहले आप जाके निकाह करें, देन कोर्ट से जाके अपनी कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट ले लें। अदरवाइज अगर आप लड़की को सिर्फ भगाते हैं, ये लड़की आपको भगाती है शादी के लिए कि हम घर वालों से भाग के शादी कर लेंगे, तो एक ये इंतहाई एक फिल्मी और एक ड्रामों में दिखाया हुआ एक बकवास और अजीब किस्म का कॉन्सेप्ट है और जिसका रियल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे आप लेके भागेंगे तो वो आपकी फिल्म या ड्रामा नहीं चलना, सीधी सी बात है, आपके ऊपर सीधा होनी है दोनों के ऊपर FIR, दो दो तीन तीन FIR होनी है, लड़की के ऊपर भी लड़के के ऊपर भी, उनके घर वालों ने FIR करवा देनी है दोनों के ऊपर। इवन कि अगर आपने जाके शादी भी कर ली, निकाह भी कर लिया, तब भी, हाँ, अनटिल अनलेस अगर आप कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और लड़की और लड़का भागे और उन्होंने अकलमंदी की है, ठीक है, निकाह करवाने के बाद एक कोर्ट मैरिज करवा लिए, देन वो सारी FIR जो लड़की के घर वाले ने करवाई होंगी लड़के के ऊपर और जो लड़के के घर वालों ने करवाई होंगी लड़की के ऊपर, वो सारी जीरो हो जाएंगी। तो ये चीज़ है कोर्ट मैरिज, अगर भगाना है तो अकलमंदी के साथ, वरना लोग आसपास बहुत ही गलत किस्म के मशवरे देते हैं कि नहीं, अच्छा शादी करनी, घर वाले नहीं मान रहे तो भाग जाओ। भागना काम आसान है, टीवी में दिखाते हैं, ड्रामों पर दिखाते हैं, वो काम आसान है, लेकिन अकलमंदी के साथ, सही है, अकलमंदी के साथ आपको भाई कोर्ट मैरिज करवा लेना। अगर लड़की को आप लेके भाग रहे हैं या लड़की आपको लेके यानी कि फोर्स कर रही है भागने पे, तो कोर्ट मैरिज करवा दें, दोनों के लिए फायदे की बात है। अगर नहीं करवाओगे तो FIR, फिर आप लोग FIR खेलें और भुगते हैं इस तरह से। होप सो एक राइट था बता दिए, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe and turn your notifications on.